नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, टीम इंडिया बेशक से साउथ अफ्रीका से तीनों मैच हार गई, लेकिन दीपक चहर की पारी ने ना सिर्फ लोगों का दिल जीत लिया लास्ट मैच में, बल्कि दीपक चहर टीम इंडिया के हारने के बाद रोते हुए नजर आए हैं। तो किस तरह से दीपक चहर के आंसू सबके सामने झलके हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दीपक चहर के चेहरे पर दिखा टीम इंडिया की हार का दर्द, हुए भावुक, तस्वीरें हो गई वायरल। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे का अंत हार के साथ किया। वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम की 4 रनों से शिकस्त हुई, वो 0-3 से सीरीज हार गई। हालांकि जब दीपक चहर बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि टीम इंडिया ये मुकाबला तो जीत ही जाएगी, लेकिन उनके आउट होते ही टीम इंडिया की उम्मीदें भी खत्म हो गई। दीपक चहर ने 34 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 54 रनों की बेहद ही शानदार पारी खेली। उन्होंने जसप्रीत बुमराह के साथ 8वें विकेट के लिए 55 रनों की साझेदारी भी की। दीपक चहर जब पवेलियन लौटे तब टीम इंडिया को 11 रनों की जरूरत थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम इंडिया स्कोरबोर्ड पर सिर्फ और सिर्फ 5 रन ही जोड़ सकी और 4 रन से मुकाबला हार गई। इस हार का दर्द दीपक चहर के चेहरे पर साफ दिखाई दिया। मैच के बाद वो भावुक नजर आए, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गईं। बताएं, दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 287 रन बना पाई थी। इसके जवाब में भारतीय टीम 49.2 ओवर में सिर्फ 283 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और मेजबान टीम ने 4 रनों से मुकाबला जीत लिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए बल्लेबाजी में क्विंटन डिकॉक ने 124 रन बनाए, वहीं गेंदबाजी में एंडले फ्लिकवायो और लुंगी एनगिडी ने 3-3 विकेट चटकाए। बता दें, कोहली और धवन की पारी पूरी तरह से इस मैच में विफल चली गई। 279 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 18 रनों के कुल स्कोर पर कप्तान केएल राहुल पवेलियन लौट गए, उन्होंने 10 गेंदों में 9 रन बनाए। इसके बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली और शिखर धवन ने अर्धशतक जड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी की। शिखर धवन 73 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत 61 रन बनाकर आउट हुए, वहीं किंग कोहली ने 84 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 65 रन बनाए। इसके बाद ऋषभ पंत 0 पर ही आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर को बेहतरीन शुरुआत मिली, लेकिन दोनों सेट होने के बाद आउट हो गए। अय्यर ने 34 गेंदों पर 26 रन और सूर्य कुमार यादव ने 32 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की बदौलत सिर्फ और सिर्फ 39 रन ही बनाए और इस तरह से दीपक चहर, विराट कोहली और शिखर धवन की मेहनत पर पानी फिर गया और दीपक चहर इसे बर्दाश्त ना कर सके और इसी वजह से दीपक चहर सबके सामने रोते हुए नजर आए थे। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।